नमस्कार। बहुत से जने भांग को भगवान शिव का प्रसाद समझकर पीते हैं और बड़े आराम से पीते हैं। कहते हैं, अरे यार ये तो भगवान शिव का प्रसाद है, भगवान शिव भी लेते थे और लेते हैं तो हम भी ले रहे हैं, इसमें क्या बुराई है। जब भगवान शिव भांग लेते हैं, उनको भांग का अभिषेक किया जाता है, भांग उनके ऊपर चढ़ाई जाती है शिवलिंग के ऊपर, अरे यार तो फिर अपन भी भांग लेते हैं भगवान शिव का प्रसाद लेके, मतलब समझ के भगवान, ये जो लोग होते हैं ना भांग लेते हैं। लेकिन इन मूर्खों को यह पता नहीं है कि भगवान शिव को, भगवान शिवलिंग के ऊपर भांग क्यों चढ़ाई जाती है। बस वो तो कहते हैं कि भगवान को भांग चढ़ाई जा रही है तो हम भी प्रसाद के रूप में, और हम भी ऐसे ही लेते हैं, गिलास पे गिलास भांग लेते रहते हैं। आज आपको यह जानना जरूरी होगा कि आखिर भगवान शिवलिंग के ऊपर भगवान शिव को भांग क्यों चढ़ाई जाती है। और जो ये जो लोग है ना भांग को लेकर भगवान शिव का मजाक उड़ाते हैं कि भगवान शिव भी भांग लेते हैं तो हम भी भांग लेते हैं, तो अपने धर्म का मजाक उड़ाना बंद कर देना। ये जो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो धर्म का मजाक उड़ाते हैं, उनको सच्चाई वास्तविकता पता नहीं होती है कि आखिर भांग क्यों चढ़ाई जाती है। तो आज आप देख रहे हैं कि भगवान शिव को, भगवान शिवलिंग के ऊपर भांग क्यों चढ़ाई जाती है। देखिए, भांग का वैज्ञानिक नाम कैनाबिस इंडिका भी है। जो बड़े बड़े रिसर्चर हैं, वैज्ञानिक हैं, भांग को कैनाबिस इंडिका भी कहते हैं, एक वैज्ञानिक नाम है। यह नर व मादा अलग अलग रूप में पाई जाती है। भांग का उपयोग कहां होता है आपको पता है? एक रिसर्च के अनुसार इसमें कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। आप क्या भांग को ऐसे समझते हो? भांग को बहुत ही औषधीय वाला पौधा माना जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि अनंत काल से भांग को दवाइयों के रूप में उपयोग ले रहे हैं, और आप क्या करते हो? भांग को बस पीते जाते रहो भगवान का प्रसाद समझ के। बहुत गलत बात है ये। भांग दर्द निवारक दवाइयों और कैंसर जैसी बीमारियों में भी कारगर है। आपने बहुत सारी आप दवाई लेते होंगे, आप टेबलेट लेते होंगे, सिरप लेते होते होंगे, उसमें भांग का उपयोग किया जाता है। भांग दर्द निवारक दवाइयों में यूज होती है, कैंसर जैसी बीमारियों में यूज होती है, और अभी हाल में कोविड 19 आया था उसमें भी बहुत सारी ऐसी टेबलेट्स बनी थी जो कोविड 19 को रोक सके। खुद बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी माना है कि वाकई में भांग में ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं जो इंसान को बीमारी होने से रोकते हैं। जब शिवलिंग पर जल दूध दही का अभिषेक होता है तो आपको पता ही है कि जितने भी अपने शिवलिंग है इंडिया में ज्योतिर्लिंग है उनके नीचे रेडियो एक्टिव एनर्जी पाई जाती है। जब इनका अभिषेक किया जाता है तो उसमें रेडियो एक्टिव एनर्जी युक्त हो जाता है। फिर जब इसमें भांग मिलाई जाती है, जब उस शिवलिंग के ऊपर भांग का भी अभिषेक किया जाता है, तब यह भांग जल दूध दही में मिक्स हो जाती है। और फिर यह भांग क्या करती है पता है आपको? देखिए, यह औषधीय बन जाता है। जब यह अभिषेक जल दूध दही का अभिषेक करते हो और फिर इस पे भांग का भी अभिषेक करते हो तो यह एक औषधीय दवा बन जाती है। यह सारा अभिषेक मिलकर एक औषधीय रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और जब यह नदी नालों में जाता है ना तो उनको शुद्ध करने का काम करता है। यह नोट करना, भगवान शिव को भांग क्यों चढ़ाई जाती है? भगवान शिव भांग पीते नहीं है, भगवान शिव को भांग का भोग नहीं लगता है। यह बात आप कान खोल के सुन लेना और मजाक उड़ाने वाले देख लेना कि भगवान शिव भी भांग लेते हैं और हम भी भांग लेते हैं। नो, नेवर। भगवान शिव भांग नहीं लेते हैं, भगवान शिव को भांग का प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को भांग का अभिषेक शिवलिंग के ऊपर इसलिए किया जाता है कि यह जल दूध दही जब भांग के अंदर मिलते हैं ना तो वह एक औषधीय गुण बन जाता है। भांग इसलिए चढ़ाई जाती है भगवान शिवलिंग को कि यह चीज एक औषधि का रूप ले रहे, क्यों अगर इसमें नहीं मिला है तो यह रेडियो एक्टिव एनर्जी हो जाता है तो यह हानिकारक भी होता है, लेकिन जब इसमें भांग मिल जाती है ना
तो ये औषधि बन जाता है। और जब ये नदी नालों में जाता है ना, तो नदी नालों को शुद्ध करने का काम करता है। ये बात आप ध्यान रखना। आप ऐसे ही भांग को लेकर भगवान शिव का मजाक मत उड़ाना, और आप भगवान शिव का भांग का प्रसाद समझकर ऐसे ही मत पीना। भगवान शिव लिंग को जब भांग चलाई जाती है ना, एक औषधि के रूप में चलाई जाती है। ये जो सारी जो चीज है ना, एक औषधि रूप में बन जाए और पूरे पृथ्वी को शुद्ध करने का काम करती है।